मेरा नाम राहुल शर्मा है सर। मैं क्लास एमपीएड का छात्र हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। राहुल, अब तो चुनाव हो रहा है, सारे नेता आ रहे हैं, सबके भाषण आप लोग सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, टीवी पर भी देख रहे हैं, युवा 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 सब बात करते हैं। युवाओं के लिए कुछ हुआ है पंजाब के युवाओं के लिए? किसी भी पार्टी की तरफ से लग रहा है कि कोई ऐसा कदम उठाया गया है कि उनके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आया है, ऐसा देख रहे हैं आप लोग? सर, कहने का कुछ और है और करने का कुछ और है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां है सर, वो वादे तो बहुत करती है लेकिन करते भी कुछ नहीं। जैसे देखा जाए, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बताया जा रहा है कि हम 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। कांग्रेस पिछले 70 सालों से वादे करती आ रही है, आज तक काम कुछ भी नहीं हुआ सर। बात करें सर आम आदमी पार्टी की, पिछली बार 92 सीटों के साथ पंजाब ने एक नया रिकॉर्ड बना के एक नई पार्टी यहाँ पे जीत दर्ज की, लेकिन सर आते ही उन्होंने युवा उत्साह धक्का करना स्टार्ट किया, जिसमें सर उन्होंने सबसे पहले 160 पोस्ट जो हमारे डीपी पोस्टें थी उनको सर रिजेक्ट किया। उसके बाद बहुत चीज ऐसे सर, डिस्ट्रिक्ट हम सेंटर में बात करें दिल्ली गवर्नमेंट की, तो उसमें जैसे सर डिजिटल प्रेस भी की हमारी पीटीआई पोस्टें थी उनको 2 साल हो गया सर फॉर्म फिल के, उसका ना कोई एग्जाम डेट है ना कोई एग्जाम हुई। बात करते हैं हम राजस्थान में सर कांग्रेस पार्टी की, पिछले 5 साल में सर 19 पेपर उन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन 19 के 19 वो सर पेपर आउट हुए, पेपर लीक हुए, एक भी वैकेंसी सर अभी तक क्लियर नहीं हुई। तो ये सर युवाओं का कहाँ भला हो रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भला नहीं किया जा रहा युवाओं को। कोई लग रहा है नरेंद्र मोदी कहते हैं युवा के लिए वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, राहुल गांधी अब कह रहे हैं हम युवाओं को पहली नौकरी देंगे, कम से कम 1 लाख रुपए साल मिलेंगे उनको महीनों में बांटकर, तो लग रहा है कि किसी के दावे में दम है, क्योंकि आप तो सबको लगभग देख चुके हैं। 10 साल बीजेपी हो गई, पंजाब में भी आप कांग्रेस को देख चुके, आम आदमी पार्टी को देख चुके, बाकी आप राजस्थान का हाल बता ही रहे हो। अगर सर 1 लाख रुपए देंगे तो हमें नौकरी कहाँ जरूरत है, फिर घर ही बैठ जाएंगे हम तो। पहली नौकरी की बात कर रहे हैं ना, पहली नौकरी कम से कम 1 लाख रुपए साल का, इस तरह का कुछ अगर सर ये देती हो तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। बाकी सर सब वादे हैं, हर 5 साल से हम जब से बड़े हुए हैं, इतने पैदा हुए कितने बड़े हुए, आज तक वादे ही सुने सर, काम किसी का सुना नहीं। फिर भी हम युवा यूथ है सबसे ज्यादा इंडिया में सर, यूथ ही है, इनका वोट बैंक सबसे ज्यादा है। तो यह है कि जिस तरफ यूथ होगा उसी की गवर्नमेंट आएगी, तो हम तो चाहते हैं कि सर इस बार बदलाव हो और एक नई गवर्नमेंट आए, क्योंकि कांग्रेस और उसको तो बीजेपी को हम देखते ही आ रहे हैं, तो इस बार हम चाहते हैं कि एक नई गवर्नमेंट आए। ऑप्शन क्या है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और उसके बाकी घटक दल है, दूसरी तरफ बीजेपी के बाकी घटक दल? गठबंधन है जी, हर जगह गठबंधन ही होता है, अगर गठबंधन गवर्नमेंट तो कभी बनती है, वो तो सर बिखर जाती है जी, फिर 2-2.5 साल में वो फिर अपनी सीट बनाने के चक्कर में रह जाते सर, वो सीट चल ही नहीं पाती। तो यह है कि जब सर दो ही मजबूत दल है, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है, तो पिछले 10 साल से जैसे बीजेपी का काम देखे तो एज अ डेवलप में बहुत अच्छा काम किया, जैसे सर चीना ब्रिज हो गया, अपने जम्मू कश्मीर में ब्रिज हो गया, टनल हो गई, काफी अच्छा काम किया है सर। लेकिन अभी कांग्रेस है 5 साल से पीछे है सर, मतलब कि सीट भी बराबर नहीं आ रही उनकी, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि सर उनका जो लीडर है उसमें दमखम वाली बात नहीं। अगर कांग्रेस हमारा लीडर चेंज करती है जा सर पीएम के थ्रू, तो हम बदलाव देख सकते हैं देश के अंदर। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।